हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ मैनेजमेंट कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। आज एक प्रैक्टिकल करेंगे आपके साथ। मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने कैप रखा है लाइक दिस। आप मुझे बताइए इस कैप के नीचे क्या है, इसके कैप के नीचे कुछ है या नहीं है। सोच के देखिए इस कैप के नीचे कुछ है या नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप मुझे हाथ ऊपर कहिए कीजिए मेरी थर्ड आई ओपन है। नाइस। और जो लोग सोच रहे हैं इसके कैप के नीचे कुछ नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए। वाओ, चलो चेक करते हैं है या नहीं है इसके नीचे। आइए जानते हैं है, कुछ तो भी है, पेपर का एक टुकड़ा है। एंड दिस इज कॉल्ड डिस्कवरी। यस माय डियर फ्रेंड्स, इसे कहते हैं डिस्कवरी। जब तक ये ढका हुआ है, ये अंधश्रद्धा है कि इसके नीचे कुछ है या नहीं है, और जो भी आप कहते थे उसे अंधश्रद्धा कहेंगे। लेकिन इसके बारे में हमने जान लिया, डिस्कवर किया, एक कवर था उसको निकाल दिया, डिस्कवर, जिसे मैं साइंस कहता हूँ। साइंस ये है कि इसके नीचे कुछ तो भी है, वो है पेपर। बाय डूइंग एनालिसिस, बाय डूइंग रिसर्च, बाय डूइंग लॉजिक थिंग्स यूज करके हमने उसको पता किया कि हाँ इसके अंदर कुछ है। हमने इसका कवर निकालने के बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट से, मेरे हाथों से, अनुभव से, और सभी ने प्रूफ किया कि इसके नीचे कुछ है। इसका मतलब ये नहीं था कि जब ये ढका हुआ था तो इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे था जिसे हम अंधश्रद्धा कहेंगे। लेकिन ये जो अंधश्रद्धा है, रिसर्च करना बाकी है, अभी ये जो भी चीज है उसके पीछे का कारण जानना बाकी है। हम ऐसे ही ना कहेंगे, ऐसे ही एस्केप नहीं करेंगे चीज़ों को। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं काफ़ी दिनों से, या फिर जब भी मुझे फ़ोन कॉल आते हैं तो सभी लोग मुझे यही सवाल पूछते हैं, सर आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाते हैं लेकिन यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं जो कहते हैं कि ये बकवास है, ये कुछ काम का नहीं है, या फिर ये लोगों में चीज़ें अंधविश्वास की बातें हैं। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस इस दुनिया में, उसके पीछे का रिसर्च जानना, उसके पीछे जो भी साइंस है वो समझना भी बाकी है। निकोला टेस्ला जब उन्होंने रिमोट बनाया था, रिमोट का इन्वेंशन किया था, लोगों ने चमत्कार जादू समझ के उसे फेंक दिया था। कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये मैजिकल चीज़ है, ये नहीं चाहिए। बट वो सेकेंड टाइम उनका जो भी रिसर्च है उसके बारे में फिर से जाना पड़ा तो दुनिया ने एक्सेप्ट किया। जो चीज़ हमें उसके पीछे का कारण पता नहीं है, हम उसे मैजिक या फिर इसे कहेंगे वो अंधश्रद्धा है, लेकिन उसके पीछे का कारण पता हो जाए तो वो क्या होगा, वो रिसर्च, वो साइंस कहलाएगा। लेकिन हमें एक चीज़ है, वो हमारा माइंड, हमने इतना डाउटफुल किया है कि कोई भी पीछे का साइंस, जब तक हम उसके पीछे का जो साइंस है वो नहीं समझेंगे तो हम उस चीज़ को एस्केप नहीं करेंगे। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, आप पीछे रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रिसर्च होना बाकी है। जो भी ग्रेविटी का नियम है वो पहले भी था, बस उन्होंने डिस्कवर किया। जो भी सिर पे एप्पल गिरा, डिस्कवर हुआ, यानी हर चीज़ डिस्कवरी होती है, वो चीज़ें समझती हमारे ब्रेन से। आज तक जो टेस्ट है हमारी टंग, ये टंग कोई इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं कर सकता, ये टंग कोई टेस्ट कोई इंस्ट्रूमेंट चेक नहीं करता। एज अ मैं फ्लेवर एक्सपर्ट, मेरा बीटेक हुआ है फूड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे हमें सिखाया था कि जो फ्लेवर एक्सपर्ट, ऐसी एक फ्लेवर टेक्नोलॉजी ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जो भी फ्लेवर एक्सपर्ट होते हैं वो टंग से चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेंट लिया था। तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा था कि ये सभी जो फ्लेवर एक्सपर्ट्स है तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, आप जो बना नहीं सकते कि उनसे वो चेक किया जाए। तो वो कहे कि साइंस ने अभी तक इन्वेंशन नहीं किया है कोई टेस्ट चेक करे कोई इंस्ट्रूमेंट से। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि साइंस डिस्कवरी बाकी है, मगर अनुभव ही है जिसे हम कह सकते हैं कि वो हो सकता है। जैसे वो टेस्ट आइडेंटिफाई करना, ये लोगों के अनुभव थे, वो बताते थे, वो चाहे झूठ बोल रहे हो सही बोल रहे हो, उनको वो एस्केप ही करना था। मतलब ये है, जब हम अनुभव के साथ
जब जीते हैं तो उसके पीछे अगर रिसर्च ना भी हो रहा है, वो डिस्कवर ना भी हो रहा है, लेकिन कोई अनुभव से बता पा रहा है, किसी के अनुभव है, किसी के एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बकवास है या झूठ है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं सीखते हैं, लोग तो मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं पिछले 5 साल से सिखा रहा हूँ, और कई लोगों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है, पट्टी बांध के एक बार पढ़ते हैं, एक बीटी में क्या कहूँ, एक मिनट में कौन सी भी किताब दो उसको, कौन सी भी किताब दो वो पेज नंबर के साथ बताती है। और उनके पापा रो जाते हैं, कहते कि सर आपने ये अमेजिंग चीज़ हमें सिखाई है, डिस्कवरी बाकी है बस, ये कैसे होता है, ये क्या है। ये है माय डियर फ्रेंड्स हमारे अंदर मन के पावर की शक्ति। बट प्रॉब्लम क्या है, साइंस मन के अंदर नहीं झांक सकता, मन की पावर्स को नहीं समझ सकता। मन इतना पावरफुल है, लेकिन आज हम मन के बारे में रिसर्च नहीं करते। मन कितना ज़बरदस्त है ये कंसेप्ट मन का कोई स्कूल्स नहीं पढ़ाती, कोई कॉलेज नहीं पढ़ाता, यही हमारा प्रॉब्लम्स है। और हमारे पास समय ही नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम। लेकिन यही चीज़ अगर फॉरेन में किसी को बताओ ये हो सकता है, ऐसा है, वो तुरंत एस्केप कर लेंगे। अच्छा है, वो ये नहीं कहेंगे ये झूठ है, कुछ भी बात बोल रहा है, वो ये नहीं कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अच्छा ये है। सो हमें और भी जानकारी दीजिए। मगर इंडिया में शायद ऐसा नहीं होता, काफ़ी लोग कहते हैं दे थिंक लॉजिकली, अरे ये नहीं पॉसिबल है, ये बकवास है, वो उस चीज़ को रोकते हैं। अगर ऐसे आप अगर रोकोगे तो उसके पीछे या जो भी साइंस है उसके आप पीछे रह जाओगे, आगे नहीं जाओगे। तो लाइक दिस माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिसर्च में आपको बताऊंगा कि ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन है, तो हैज़ अ थर्ड पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पुणे की है महाराष्ट्र, उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। एज अ थर्ड पार्टी उनको बुलाया और चेक किया बच्चों को, जो भी बच्चे ब्लाइंड फोल्ड करके देख पाते हैं वो सही कर रहे या गलत कर रहे हैं। 2015 में ये रिसर्च हुआ था, और जब ये रिसर्च हुआ तो उन्होंने जो है उनके आँखों के ऊपर जो भी सर्जिकल टेप होता है वो भी लगा के देखा, और 80% बच्चे को वो सही उन्होंने चीज़ों को पहचाना था। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, जो भी डाउट्स है आपके मन के, जो भी कहते हैं उनके लिए वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिनके भी मन में डाउट है कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन झूठ होता है, तो ये रिसर्च फाउंडेशन जो लोग उनको बुलाया था वो भी कहते हैं ये पता है कि ये हो सकता है, मगर इसके पीछे का जो साइंस अभी तक नहीं समझ रहा है। मगर हमें इसके पीछे का जो डिस्कवरी है उसके पीछे क्या है वो हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसको एस्केप करना चाहिए। कोई चीज़ को एस्केप नहीं करोगे तो वो पीछे रह जाएगी, तो इसके पीछे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। Children, my little angels, my little champs, all the best. आजचा हा जो कार्यक्रम आहे तो निखळ वैज्ञानिक परीक्षण आहे, ज्यांना समाजामध्ये सन्मान्य अशा ज्या व्यक्ती आहेत की ज्यांच्या निरपेक्षतेविषयी किंवा ज्यांच्या कार्यामुळे, ज्यांच्या पदामुळे ज्यांना समाजामध्ये आदराचं स्थान आहे, आणि जे पूर्णपणे निरपेक्ष असतील अशा व्यक्तींना आपण एकत्र बोलवू, त्यांची एक ज्युरी करू, आणि हा सगळा जो परीक्षणाचा भाग आहे तो त्यांच्याकडे सोपू। डॉक्टर प्रज्ञा पुराणिक ह्या पुणे हॉस्पिटलच्या ऑप्थॉल्मॉलॉजी डिपार्टमेंटच्या हेड डॉक्टर गोवारीकरांना निमंत्रित करतो। या सगळ्याचं आता हे अंधश्रद्धा आहे म्हणून तुम्ही कार्यक्रमच घेऊ नका, हे अत्यंत चुकीचं विधान आहे। आधी काय आहे याच्यामुळे ना आपल्याकडचं संशोधन थांबलंय, महत्त्वाच्या गोष्टींवरचं संशोधन याच्यामुळे होत नाहीये। आधी संशोधन करा, मग त्याच्यातून काय निष्पन्न होतं ते बघा। सकारात्मक निष्पन्न झालं तर त्याचं संशोधन आणखी करा, नकारात्मक आलं तर ते थांबवा, ती अंधश्रद्धा म्हणून म्हणा। आमचे जे प्रेरणा स्तोत्र आहे ते डॉक्टर विजय भटकर साहेब आज इथे आलेले आहेत, मी डॉ.
डॉक्टर श्रद्धा पुराणिक, मी आठवड्याभरापूर्वी यांचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन बघितलं. तर आपण पट्टी कशाप्रकारे या मुलांना बांधणार आहोत ते मी तुम्हाला सांगते. पहिले तर ज्या रंगाची पट्टी किंवा ज्या रंगाचे गॉज किंवा कपडा जो वापरला जाईल तो काळा असेल. काळा अशासाठी की काळा रंग हा प्रत्येक दुसऱ्या कलरला ॲब्सॉर्ब करतो. म्हणजे त्या मुलांना जर समजा लाल कलर किंवा हिरवा रंग यामधला काही फरक समजतो आहे तो पूर्ण नलिफाय होईल. प्रत्येक रंग प्रत्येक वेवलेंथचा कलर हा त्यामध्ये टोटली ॲब्सॉर्ब होऊन जाईल. दुसरी गोष्ट की नुसतीच एक साधी पट्टी डोळ्यांवरती बांधली तर खालून हाय चान्सेस असतात की इन्फिरियर फील्डमधनं, म्हणजे तुम्ही जेव्हा खाली बघताय रीडिंगच्या पोझिशनमध्ये, तेव्हा हाय चान्सेस असतात की त्या फटीतून प्रत्येकाला काहीतरी दिसेल आणि मग तिथे चीटिंगला एक वाव असतो. तर हे अवॉइड करण्यासाठी आपण एक कापड कापलेलं गॉज ज्याला म्हणतो आम्ही, तो गॉज दोन्ही डोळ्यांवरती मोठा लावणार. आपण ज्या मुलांचं डेमॉन्स्ट्रेशन घेणार आहे ती 7-8 वर्षाची छोटी छोटी मुलं आहेत आणि त्यांच्या डोळ्याच्या मानाने त्यांच्या चेहऱ्याच्या साईजच्या मानाने हे गॉज मोठे मोठे आहेत, त्यामुळे त्यांचं नाकसुद्धा त्यात कव्हर होईल. तर आता मध्ये आधी गॉज असतील, त्यावर एक पट्टी असेल, पट्टी करकचून मीच बांधेल. आता हे झालं तर तेव्हा तुम्हीसुद्धा बघाल की हाफ ऑफ द फेस त्यांचा मी कव्हर करून टाकेल. राहिला प्रश्न, तरी पण मला चीटिंगला वाव आहे कारण मी मध्ये डोळे उघडून कुठून तरी कुठल्या तरी फटीतनं कुठल्या तरी छिद्रातनं बघू शकते. हे अवॉइड करण्यासाठी आपण त्याच्या मुलाच्या डोळ्यांवरती सफिशियंट एक दाब देणार. तो कसा द्यायचा? तर सेफेस्ट वे इज स्विमिंगचा एक गॉगल आपण लावणार. जेव्हा मी स्वतः ही पट्टी लावून बघितली तेव्हा त्या गॉगलच्या दबावामुळे मला आतमध्ये डोळे उघडता येत नाही, म्हणजे मला कंपल्सरी डोळे बंदच ठेवायला लागतील. तर हा जो स्विमिंगचा गॉगल आहे हा त्याला पट्टी असते स्ट्रेचेबल, तो घट्ट बसतो आणि त्यामुळे तुम्हाला त्या मुलाला जरी वाटलं तरी पण त्याचे डोळे उघडू शकत नाही. ठीक आहे, आणि एवढा दाब पुरेसा आहे, मुलांचे डोळे सेफ राहतील, त्याला काही असा इंजुरी किंवा काही लॉंग टर्म साईड इफेक्ट्स वगैरे त्यातनं काही होणार. वन्स अगेन वन सिन्सिअर रिक्वेस्ट टू ऑल प्रेझेंट नो फ्रेंड्स दॅट कीप युअर मोबाईल ऑन सायलेंट, काइंडली अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉईज. वी डू नॉट वॉन्ट एनी क्लॅपिंग ऑल्सो फॉर अ राईट कलर रेकग्निशन. वी ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ हुटिंग ऑल्सो. यप, थँक्स फॉर द कोऑपरेशन. Sorry? Bear, as well. Okay, thank you. Black color cha D hai and background yellow hai. Rose. नाही, कारण अगदीच जाण्याकरिता मेंदू नवा पाहिजे. पण त्या प्रेतातील मेंदू तर जुनाच असतो. नवा silence in the audience please. Thank you.
आउटसाइड येलो आणि इनसाइड ग्रे. नाकाने सेन्स घेतल्याशिवाय येत नाही. ब्लॅक प्लस आउटसाइड येलो. आउटसाइड पर्पल फेंट आणि ब्लॅक 20. मँगो. श्री स्वामी समर्थ. रोख निधी 2002. We have enough people on the dais. So request silence in the audience, please. Can we have silence in the audience, please? No for and no against discussion, please. I am known as the ship of desert. I eat grasses and desert plants. I carry people and things across. Surgical patches are supposed to be like sticking you on your eyelids completely, you know, it will completely black out, so there is no chance at all that you can peep through. You can peep through at all. These are surgical patches. One more thing
I would like to request the audience that not to attempt this at home, because there is a danger of the eyelashes getting peeled off, the eyebrows getting peeled off. So there are very few kids who are able to attempt this, I must say. Show to the audience what is. Yeah. Jasper, can you just face everybody? Yeah. Yeah. Is it fine, sir? Please show the audience also. Yeah. Is it fine, sir, now? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Two pandas. Outer color purple, 20. Inner color black. Series are 0DR886570. Here is a rocket ready to launch now. Okay, can you show it to the audience, please, sir? Yeah. It's white. Bear. Okay. Zebra. Whoa. Apple. Okay. No, the moment the distance will be taken, it can be seen. How? Hold it straight on him. Huh? Hold it straight on him. Like this. Yeah. No. Essay. Okay. Okay. Huh. That's perfect, yeah. Yes. That should be. Can you just tap on the card once? So he should be able to understand where it is. Yeah, it's a card. Can you tap it with your both hands? So hold it one hand and tap it on the with the. Yeah. The only request, he should not look up. Absolutely. Huh. Okay. Ganesh? Tap okay. It. Last card, beta. Tap it, sir. Zebra. Okay. No. Can we have another card? Last one? Yeah. Yeah. But tap it, sir, with the other hand. Remove the mic. Keep the mic down. Hold it with one hand. Yeah. No. Yeah. Keep it tapping, I would say. Mm. Keep it tapping. Best, sir. I think. Elephant. Okay. Dog. ओके करेक्ट डॉग इतना आपण जे थोडंसं व्हेरिएशन सुरू केलं ते दिवा बंद करून त्या ह्याच्यात सुद्धा सॅम्युअलनी दिवा बंद असताना सुद्धा जुरीजना इम्प्रेस केलं आणि त्याबद्दल त्याला जास्त मार्क्स दिले मी 10 पैकी जास्त 20 दिलेले असं केलं आता इथे म्हणजे आमच्या मते गणेशचा परफॉर्मन्स तितका योग्य वाटला नाही म्हणजे त्याला ते कळतं किंवा नाही कळतं याच्याबद्दल काही अंदाज बांधता आला नाही आणि त्याचं
त्याला मुख्य म्हणजे स्टिकिंग प्लास्टर्सच लावले होते आणि त्याच्यावरती पट्टा लावलेला नव्हता. आता ते लावल्यानंतर दिसू शकतं का नाही दिसू शकतं, तर डॉक्टरांच्या मते ते लावल्यानंतर पूर्णत डोळ्याच्या आयलिड्स आहेत म्हणजे पापण्या, त्या पापण्या बंद करून त्याच्यावरती ते पट्ट्या लावल्या होत्या. म्हणजे डोळा बघण्यासाठी डोळा उघडण्याचाच प्रश्न नव्हता, म्हणजे डोळा उघडता येत नाही. वी यूज दिस पॅचेस फॉर ट्रीटमेंट. एखाद्या मुलाचे डोळे बंद करून त्याला एक प्रकारची अमलायोपियाची थेरपी असते, त्यामध्ये आम्ही हे मेडिकल पॅचेस येते. हे नुसतं कापड किंवा नुसतं हे नाही आहे, हे लावलं की आम्हाला ट्रीटमेंटचा हा एक भाग आहे की आम्ही शुअर आहोत की याने दिसत नाही, त्याचा डोळा बंद आहे. हे लहान मुलांमध्ये म्हणजे जे अगदी 2-3 वर्षाचे असतात त्यांच्यामध्ये हे लावले जातात. मात्र एक आहे की इचिंग याने इतकं होत नाही जेवढं यांना फील होत होतं. ठीक आहे, मुलं बेअर करतात, काहीतरी डोळ्यावर आहे आणि थोड्या वेळाने घाम आल्यानंतर जेव्हा त्यांचे केस वगैरे तिथे चिकटतात तेव्हा त्यांना इचिंग चालू होते. म्हणजे 100 किती मार्क्स द्यायचे असा प्रश्न होतो, तर 100 म्हणजे प्रत्येक 5 आपण आपल्यापाशी लोक होते, 5 कॅन्डिडेट बघितले, प्रत्येक कॅन्डिडेट याला 20 जर धरले तर 80% स्कोर आत्ता होतो. आणि गणेशच्या बाबतीत आम्ही मत बनवू शकलो नाही, काही त्याचे स्प्लॅशेस वाटले पण काही त्याला अजिबातच सांगता आलं नाही. त्यांच्या आयसाईटचा प्रश्न वगैरे जो तुम्ही उपस्थित केला तोही किंवा मागे डोक्याच्या मागे, त्यामुळे त्याच्या बाबतीत काही मत बनलं नाही. म्हणजे तो काय करत होता हेही समजायला मागे नव्हता, असं थोडंसं आमचं जुरी म्हणून मत आहे. बरोबर, तर 80% इथपर्यंत आम्ही त्याला सोडतो. थँक्यू सर. आपण इतका वेळ आपला देऊन मला असं वाटतं जे काही रिझल्ट्स असतील ते 80% असो किंवा काहीतरी, पण ते निरपेक्षपणे या ज्युरीने काम केलेलं आहे याच्याविषयी आपल्याला खात्री आहे का? पेरेंट्सला दिसत आहे आणि ते येत आहे, इथे फ्री डेमोक्रेसी येत आहे, त्या मुलांना शिकवायचं आहे, त्याने काही इंजुरी नाही आतापर्यंत काही असं दिसलं नाही याच्यामध्ये, तर याच्यामध्ये तर मला वाटतं की ते आणि जगभर सुरू आहेत, हे एक्सपेरिमेंट जगभर सुरू आहेत याच्यामध्ये. तर मला असं वाटतं की म्हणजे मला काही याच्यामध्ये निर्णय द्यायचा नाही याच्यामध्ये की दिस इज अ टेक्निक. आणि तो जपनीज सायंटिस्ट म्हणतो की हे आम्ही भारतातून शिकलो, दिस इज द ओरिजिन ऑफ दिस इज भारत. आपण जेव्हा त्याच्यामध्ये मला त्या मंत्र वगैरे याच्यात द्यायचं नाही आहे, हे मंत्र बीजमंत्र काय आहे त्याच्यातून काय होऊ शकतं, त्याच्यातून कुठे शक्ती होश होऊ शकतात, सुप्त शक्ती जागृत होऊ शकतात, ते याच्या विषयात जायचं नाही आहे. पण आय फील म्हणजे माझा एक निष्पक्ष म्हणा की दिस टेक्निक शुड बी ऑथेंटिकेटेड, स्टँडर्डाईज, म्हणजे समजा की काही कोणी काही द्यायचं हवे अँड त्याचं फेडरेशन आम्ही संगणक शिकवतो की नाही. आम्ही ऑलिम्पिक ज्यामध्ये मला उडी मारायची तर आम्ही आय टीच द टेक्निक ना प्रत्येक गोष्टीचं. दीज आर ऑल्सो ब्रेन ऑलिम्पिक्स, ते आपण म्हणजे ब्रेन टेक्निक, ब्रेन जिमनॅस्टिक्स ते आपण शिकवू शकलो पाहिजे. तर मला आय नो म्हणजे मला सांगायचं की आय फील वी शूड एनकरेज इफ युअर इंडिया बिक हॅज टू बिकम अ ग्रेट पॉवर ऑफ इंटेलिजन्स वॉ जगभर हे सुरू आहे. वी शूड ऑल्सो अलाव अवर चिल्ड्रेन टू बी इसल अँड इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन अवर पेरेंट्स, आर द कम्प्लिटली ऑप्शनल फॉर देम दे वॉन्ट टू गो थ्रू ऑर नॉट गो थ्रू. आणि मी सांगतो पेरेंट्सचा एक्सपिरियन्स सांगितलं, पेरेंट्सचा एक्सपिरियन्स वी शूड लिसन टू देम की त्या मुलावर काय फरक, ती आई त्या आईनं आयांना आपण ऐकूया की काय फरक झाला, काय झालं याच्यामध्ये, आणि त्यातून मग पुढे रिसर्च करून वील ॲडव्हान्स दिस टेक्निक फर्दर, असं माझा म्हणजे माझा स्वमत निर्णय तो असा आहे की आय वूड लाईक टू ॲडव्हान्स दिस टेक्निक फर्दर. थँक्यू. मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए. इस वीडियो को पूरा देखिए. क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है. क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञेय चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई,
डिवाइन आय दिव्य चक्षु बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स 3rd आय, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर 3rd एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ 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 प्रूफी प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आँखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आँख। सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए 3rd एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊँ, बच्चों की जो इंद्रियाँ हैं यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मैडम फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। मैडम फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो मैडम फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको, ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ना है। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। 3rd जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब 3rd एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है, अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए ये क्या क्या करती है, वो देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यशवी दीदी करती है ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनी है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8KG 851993। ये लो, नंबर सही बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, पर मैं पढ़ के जाऊँ और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूँ तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूँ सारा। हाँ, पेज, वो पूरा। कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। 4th जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो 3rd एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पर आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो
अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए माय फ्रेंड्स आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, ज़िंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊँ ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं नींद में, जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीज़ें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था, विचार शून्य की अवस्था। आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन, जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूँ मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना, आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की, चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2-2-1 नंबर पे निकालो। 2-2-1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द एपोस्ट्रोफ एज अ डिफॉल्ट लेवल पेरिफिक कैरेक्टर, देन रिवर्स इट व्हेन यू रीड इट। यस, द डॉलर सिंबल डिसिकेटिंग अ फील्ड नेम, फील्ड नेम 3+। वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है, एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चों को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, एक एक घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे Day 1, Day 2, Day 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है,
लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है, इसका एसेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो जर्नी जो है ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूँ, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है। उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप इंट्रोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति जिस तरह से आँखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़े, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फैंस वो है NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय डिफेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है माय डिफेंस रूइकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आँखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी अगर दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है माय फ्रेंड्स रूइकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रूइकी प्रोग्राम माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रूइकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ, ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट पर मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम मैं आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉय करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊँ, आपको फंसाऊँगा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है,
ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है, और एक चीज़ ये प्रोग्राम में पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हजारों बच्चों को ट्रेन किया है। मेरे फ्रेंड्स मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी, और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जो भी चीज़ें जानी सीखी, और मेरा तड़ एक्टिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है, विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा, थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे, याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता, आप कितने लोग सीखना चाहेंगे? मुझे यस करो, यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ, मुझे प्रमिस करो, प्रमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर मेरा कोर्स बनाया है, जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, जरूर मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कम्प्लीट करते हो और आपके बच्चों को आँखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, देखी है। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सुन करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John De Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, you're doing it. Okay. What are you holding for me? So, मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है, वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है, जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस, वो सब बढ़ता है। इसका मोटो यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत, ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या, आप बताओ ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी, आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का, सब मुझे पसंद है, और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ, मुझे बोर होता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कॉन्सेंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी।
मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिडब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज वो शॉक ही है, कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा हूं। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, मैं इनके साथ बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं, मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए, शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम, मोबाइल टीवी कम हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए? और कैसे अरे आपको बहुत पसंद आया? हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके वेरी गुड, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की, और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन देता, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है। सिटी मैं हूँ बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सवाडा का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ए इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है, एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पीनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन वन वीक ही वुड एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स एबीसी। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है, पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इंप्रूव, टू मच इंप्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर, अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करके समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे, और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। भारी बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा, और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ, और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, वो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो ले करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर है।
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है और ये नॉलेज बचपन में ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। अच्छा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो करे, ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई। अच्छा। उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर, से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में, ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, तुरंत मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। स्टडी करा खूब कंटाळा येतो, पण दवा करना ते मेडिटेशन करायला लागले तवा पासून म्हणजे स्टडी मध्ये हील हे यायला लागला, उत्साह यायला लागला, तर वाटायला लागली। ओके, नंदनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। नहीं, कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। हाँ। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स ट्यूशन सब तो हैप्पी है सर, चेंज हो गया, ऋतिक चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस। लिखने दो, कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, स्कूल का टेंशन नहीं है सर, अब कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपलसरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, सर के कोर्स अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो
आपके अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे के लिए तो लास्ट होता था। वो आगे आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, ग्रेड कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। रुचि ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? अच्छा लगा सर, 30 डेज का, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बनाया। मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे वन का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाओ क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी वो एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का। वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाओ का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, ये देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था। रात को मैं 2-2, 2:30 बजे एडिटिंग वगैरह सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए। यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत इम्प्रूव। हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर। यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए। हाँ, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा। यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा। करना करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा। यस यस डेफिनेटली, यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियां